जैसे जैसे आप आगे अपनी वर्कबुक्स को क्रिएट करने हुए कंटिन्यू करते जाएंगे अपनी एक्सेल 2019 में, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप डेटा को शेयर करना चाहोगे। आप चाहते हो कि कोई उसे रीड ओनली वर्जन पे शेयर करे, कोई उसे देख सके, कंटेंट्स देख सके, एडिट कर सके, इवन कोलैबोरेट कर सके, और आप ही के साथ ही साथ वो ऑनलाइन में भी कुछ काम कर सके। ये सारी चीज़ें जो एक्सेल के अंदर है वो हमें आज सीखनी है हमारे इस चैप्टर के अंदर, और हम हमारी जो लीफ एंड मोटा वर्कबुक है उसके अंदर काम करेंगे, जो कि आपकी LM Revenue 03 है। आप अपने फोल्डर में इसे ओपन कर सकते हैं। नाउ आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा शेयरिंग का, वो आप ये करिए कि आप उसको कहीं पे भी ऑनलाइन आप सेव कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ क्लाउड पे, कहीं क्लाउड पे आप ऑनलाइन इसे सेव कर दीजिए तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो, अगर आप साइन इन हो तो आपका यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, आपके क्रेडेंशियल्स दिख रहे होंगे। अगर नहीं तो आपको एक लिंक आ रही होगी साइन इन की माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। ये आपका पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, जैसे आपका पुराना हॉटमेल अकाउंट, विंडोज़ का लाइव अकाउंट, outlook.com, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, जो कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। आप जो है और भी अदर क्लाउड स्टोरेज लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, कनेक्टेड हो सकते हो एट अ टाइम। ये चीज़ें भी हमें थोड़ी सी समझनी होगी। अब आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको वर्कबुक सेव करना पड़ेगा एक लोकेशन पे, जहां से आप उसको भेज सको, लोगों को इनविटेशन भेज सको, ताकि वो आपकी फाइल एक्सेस कर सके। कैसे करेंगे ये सारी चीजें? यहां पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, यहां पे एक शेयर का ऑप्शन दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको बताएगा कि आप शेयर विद पीपल कर सकते हो, आप अपने क्लाउड पे सेव कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं हमारे यहाँ पे, ऊपर आप देखेंगे एक शेयर का टैब दिया है राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक शेयर पेन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एक बटन रहेगा टू सेव अ क्लाउड। आप यहाँ से कोलैबोरेट नहीं कर सकते जब तक आप उसे यहाँ पे सेव नहीं कर दो एज एन एक्सेल फाइल, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, हमने ऑलरेडी करके रखी है। एंड ऑफ कोर्स आप सिंपली यहाँ पे जंप कर सकते हो फाइल मेनू की तरफ, यहाँ पे आप जाके सेव एज कीजिए और अपनी एक लोकेशन यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड हो, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ मेरी पर्सनल वन ड्राइव से, आप इनमें से कोई भी एक ड्राइव चूज कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है और अदर ऑप्शन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मैं फिलहाल अभी के लिए मैं अपनी पर्सनल वन ड्राइव पे यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं ओपन करूंगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव एज, और यहाँ पे देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं उसे नाम देके सेव कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अपना एक ब्राउज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी लोकेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, देख सकते हो आप मेरी वन ड्राइव के अंदर, और बहुत सारे सब फोल्डर्स भी मेरे क्रिएटेड हैं, और यहाँ पे आप अपने नए फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं सबसे टॉप में जाके एक फिर से मेरा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। इस फोल्डर को मैं नाम दूंगा यहाँ पे शेयरिंग, और मैं सिंपली इसको एंटर करके इस फोल्डर को क्रिएट कर लूंगा। और आप यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो ये एम्प्टी है। यहाँ पे मैं अपना फाइल दे दूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेव कर दूंगा। अब मैंने इसको अपने ऑनलाइन में सेव कर ली है, अब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पे सेव का बटन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ एरोज के सेट आ रहे हैं आपके पास, ये रिमाइंड करवाएंगे हमें दैट इज कि ये हमने क्लाउड पे सेव करके रखी है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे शेयर करने जाऊँ तो ये थोड़ा सा अब डिफरेंट दिखेगा। आप देख सकते हो शेयर पेन जो है अब मुझे वापस बार बार क्लाउड में सेव करने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पे सिंपली इसने मुझे इनवाइट करने के लिए एक ऑप्शन दे दिया है। अब हम यहाँ पे एक्सेस भी चूज कर सकते हैं, उन्हें किस टाइप का एक्सेस देना है, एडिट करें नहीं करें लाइक दैट। एक मैसेज लिख सकते हो और जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमने शेयर किया उसकी लिस्ट भी हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी एड्रेस बुक एक्सेस कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स भी देख सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं अपना एक ईमेल एड्रेस टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड को ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ जिसके पास एक जीमेल अकाउंट है, और मैं उसे ऑप्शन दे दूंगा कि वो उसे एडिट कर सके। आपके पास और भी एक ऑप्शन है दैट इज़ व्यू ओनली, व्यू ओनली में वो सिर्फ देख पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हम उसे एडिट हियर का ऑप्शन दे रहे हैं जिससे वो उसे चेंज भी कर सके। एक चीज और याद रखिएगा, उनके पास एक्सेल हो या ना हो इंस्टॉल, वो उसे ऑनलाइन वर्जन में एडिट कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से एक ऑप्शनली एक अच्छा सा मैसेज भी उन्हें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हेलो फ्रेंड,
प्लीज़ एडिट जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। सो हमने इस तरह से एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया है, एक्सेस भी उसे दे दिया है। अब मैं सिंपली ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं शेयर बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने शेयर किया यहाँ पे मेरे एक ईमेल जो है चला गया है और मेरे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे पर्सन का नेम आ गया है। इसी तरह से मैं और भी पीपल्स ऐड कर सकता हूँ और कभी भी मैं पीपल पे जाके राइट क्लिक करके वो उनको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ताकि हम नहीं चाहते जिनके साथ शेयर करना तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा हम शेयर पेन को क्लोज करेंगे क्लोज बटन पे क्लिक करके। अब मुझे पता है कि मैंने फ्रेंड को शेयर किया है, उसके पास ऑलरेडी एक्सेस है। सो अब हमें ये देखना है कि उसको कैसे दिखेगी ये सारी चीज़ें। सो मैं अभी ब्राउजर स्विच कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेल आ चुका है उनके पास में कि हमने जो है यहाँ पे शेयर किया है वन ड्राइव पे फाइल को। हम जैसे इस पे ओपन करेंगे ये मेल ओपन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक मैसेज भी आ गया और हमारी फाइल भी यहाँ पे आ चुकी है और एक वन ड्राइव बटन भी इन्होंने दिया है जो आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरी फाइल ओपन हो गई है, सेम वर्कबुक ओपन हो गई है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक एडिट बटन ऑलरेडी हमें दे के रखा है, एडिट इन ब्राउजर कि ये भी कर सकते हो, आप एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिया है, जैसे प्रिंट भी कर सकते हो। बट अगर वो चेंजेस करना चाहती है राइट नाउ तो वो अभी कर सकती है बाय यूजिंग दिस एडिट इन ब्राउजर बटन से। ठीक है कि एक्सेल की सारी फंक्शनैलिटी तो देखिए मौजूद नहीं होगी ऑनलाइन वर्जन के अंदर, बट हाँ अगर वो सिंपल चेंजेस करना चाहते हैं नंबर्स के ऊपर या और कोई डेटा के ऊपर तो वो यहाँ से बहुत ही इजीली कर सकते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाता है। चलिए हम वापस यहाँ पे हमारे एक्सेल वर्जन में आते हैं। अब हम यहाँ पे भी हमारा वर्क कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे फ्रेंड्स के पास कलीग्स के पास भी इसका एक्सेस है, तो आप दोनों जन एक ही फाइल पे इस तरह से वर्क कर सकते हो। सो इस तरह से आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो और अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।